जी हम पढ़े हैं पैथोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के जो टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं, तो एसिड फास्ट चेन क्या होते हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको मेथड वर्बली भी बताऊंगी और इन्हें पिक्चर्स दिखाकर एक्सप्लेन भी कर दूँगी किस तरीके से होता है। इस वीडियो के एंड को एंड तक जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको एसिड फास्ट चेनिंग समझ में आ जाएगी और किस तरीके से की जाती है, डिटेल मेथड भी समझ में आ जाएगा। प्लस मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो और आपका जो जितना इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको आपके पास होना चाहिए रिगार्डिंग दिस टॉपिक वो आपको मिल जाए। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इसके पहले तो हम ग्लास लाइट लेते हैं विद फिक्स्ड स्मीयर, फिर हम लेते हैं बंसन फ्लेम या फिर स्पिरिट लैम्प, और स्टेनिंग रिएजेंट्स चाहिए होते हैं। प्राइमरी स्टेन वापस कौन सा होता है, कार्बोल फ्यूशन होता है। दूसरा वापस डीक्लोराइजर होता है 20% H2SO4। तीसरा वापस होता है काउंटर स्टेन, जिसको हम लियोफिलस मिथाइलिन डूबी बोलते हैं। आगे क्या चीज़ होती है, स्टेनिंग क्या होती है और डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है। भाई स्टेनिंग जो माइक्रोस्कोपी में जो वही मेथड इस्तेमाल होता है ताकि हम जो हम इमेज देखना चाह रहे हैं उस पर कलर आ जाए, हम कुछ अच्छी तरीके से देख लें। जैसे कि जब हम अपने कॉलेज लाइफ में, जब हम स्कूल में या कॉलेज में जब हमें माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड्स दिखाते थे तो उसमें दो ही कलर होते थे। एक तो मैंने ब्लू देखा है जो स्लाइड्स जो दिखाते थे सेल में, सेल वगैरह, और एक होता था पिंक कलर का, डार्क पिंक बोल दो उसको या फिर रेड बोल दो, तो यही कलर्स होते थे उसमें। तो ऐसा नहीं है कि हर जो जो सेल हम देख रहे हैं वो सभी एक ही कलर के होते हैं, ऐसा नहीं है। बस हमें वो चीज़ अच्छे तरीके से नज़र आ जाए माइक्रोस्कोप में, इन्हांस हो जाए, उसके लिए जो है वो हम ये यूज़ कर रहे होते हैं स्टेनिंग। अब ये डिफरेंशियल स्टेनिंग कौन सी बोला है, डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है कि देखो भाई, अगर मैंने एक साथ एक जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट देखना चाह रही हूँ मैं, सही है, मतलब डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स देखना चाह रही हूँ एक ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखना चाह रही हूँ, तो अब उस पर अगर सब पे एक ही कलर हो जाएगा तो देखना हो जाएगा मुश्किल। तो वो क्या करते हैं कि डिफरेंशियल स्टेनिंग इस्तेमाल करते हैं, मतलब दो तीन कलर की। तो उससे क्या होता है कि आपको जो है वो पार्ट्स जो है वो अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाते हैं और इन्हांस हो जाते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ ये है, ये वाली चीज़ ये है। अब कैसे लगेगा आपको कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ही कलर का लग रहा है, तो सेल वॉल भी, तो साइटोप्लाज्म भी, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो वो इस हिसाब से फिर स्टेन बनाते हैं, कुछ लिपिड लविंग होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये डिफरेंशियल स्टेनिंग ये थी। अब जो सबसे कॉमन मेथड होता है ना स्टेनिंग का, वह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जिसमें दो डाई इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट और एक फ्यूशन सैफ्रनिंग, जिसको हम काउंटर स्टेन भी बोलते हैं, ठीक है, ताकि हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो फ़र्क कर सकें, बस इतनी सी बात है, ज़्यादा नहीं। एसिड फास्ट स्टेन आर ऑल्सो डिफरेंशियल स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन भी डिफरेंशियल होते हैं क्योंकि इसमें दो तरीके के होते हैं, एक एसिड फास्ट होता है और एक एसिड फास्ट नहीं होता। सम बैक्टीरिया जिसको माई बैक्टीरिया कहते हैं, हैव एन अनयूजुअल सेल वॉल, कुछ बैक्टीरिया के पास जो एक अनयूजुअल सेल वॉल होती है जिसकी वजह से उनके पास जो स्टेन जो है वो नहीं आ पाता, मतलब वो उनके ऊपर ऐसी सेल वॉल होती है कि उनके ऊपर स्टेन कहने कलर जो है वो नहीं आ पाता। तो इन बैक्टीरियाज़ को हम कहते हैं एसिड फास्ट, सी रिजल्टिंग इन द इनएबिलिटी टू बी ग्राम स्टेन्ड, स्टेन जिस पर नहीं आ पाता उसको हम कहते हैं कि ये एसिड फास्ट स्टेन है। एसिड फास्ट नहीं, एसिड फास्टनेस क्या होती है, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, एंड लेस कॉमनली प्रोटोजोआ, समझ गए होंगे प्रोटोजोआ में लेस कॉमन होती है। स्पेसिफिकली दे रेजिस्टेंस टू डीकलराइजेशन बाई एसिड्स ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसीजर्स, अब जाहिर सी बात है अगर उस पर स्टेन नहीं हो रहा तो वो कलर को रेजिस्ट करता है, डीकलराइजेशन को प्रोसीड करता है प्रोसीजर्स के दौरान जो है वो रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर कलर्स को रेजिस्ट करने की, ये एक बहुत लेस कॉमन जो है प्रॉपर्टी है इस जो है वो बैक्टीरिया की, इस जो है वो सॉरी स्टेन की, ठीक है, इस बैक्टीरिया की जो है वो लेस कॉमन प्रॉपर्टी है, सॉरी। दिस प्रॉपर्टी इज़ रिलेटेड टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड्स, अब ये प्रॉपर्टी हाई कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड्स से इसका ताल्लुक है जो मैंने अभी आपसे बात की थी, कॉल्ड मायोकॉलिक एसिड्स इन देयर सेल वॉल्स, और जिसकी वजह से जो है वो एसिड फास्टनेस होती है या नहीं होती, इन सब चीज़ों का ताल्लुक इसकी जो है हाई कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड्स से है, वो कैसे वो हम आगे देखते हैं। फिर जेल नेल्सन जो नेल्सन जो जेल नील्सन टेक्निक जो है वो हम स्टेनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई को। एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो हम उसको स्टेन नहीं कर पाते अच्छे तरीके से ग्राम टेक्निक में, क्यों कैसे वो मैं आपको आगे बताती हूँ, उसको पढ़ते हैं। पहले ही प्रोसीजर क्या कहते हैं कि पहले हम टिपिकल एसिड फास्ट स्टेनिंग इन्वॉल्व ड्रूपिंग द सेल्स ऑन टू अ स्लाइड। अच्छा ये जो इतना सारा लिखा हुआ है ना, मैं आपको ये आगे पिक्चर में दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपने लिया फ्लड कर दिया वो स्लाइड्स को बहुत सारे कार्बोन फ्यूशन से, कौन सा जील नेल्सन मेथड है, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज़, पहली पहली चीज़ ये क्या बोल रहा है कि टिपिकल एसिड फास्ट चेनिंग में हम क्या करते हैं, ड्रूपिंग द सेल सेल ऑन टू अ स्लाइड, सेल जो है वो स्लाइड के ऊपर डालते हैं, फिर उसको हम एयर ड्राई करते हैं विद एयर ड्राई द लिक्विड हीट एंड फिक्सिंग द सेल्स। अब जो है वो जो हमने उस पर डाले हैं सेल्स, बहुत सारे सेल्स उसके ऊपर डाले हैं स्लाइड के ऊपर, हम उसको एयर ड्राई करते हैं विद हीट, ठीक है। उसके बाद हम जो है उसके ऊपर बहुत सारे जो फ्लडेड लिखा हुआ है, यानी फिर हम बहुत सारे उस पर कार्बन फ्यूशन डाल देते हैं,
यानी कलर डाल देते हैं बहुत सारा। फिर हम उसको हीट करते हैं और ड्राई करते हैं, फिर उसको हम पानी से धोते हैं। फिर इस स्लाइड के ऊपर हम दोबारा से 1% सोल्यूशन ऑफ एचसीएल मिथेनॉल वो डाल देते हैं, ताकि जो कार्बोल फ्यूशन है वो रिमूव हो जाए। और मतलब डाला पहले इसलिए ताकि कलर हो जाए, अब कलर होने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो जाएगा और बाकी जो है वो रह जाएगा। फिर हम उसको दोबारा वॉश करते हैं, थस रिमूविंग द स्टेन फ्रॉम द सेल दैट आर अनप्रोटेक्टेड बाय वैक्सी बायोलिपिड लेयर। तो जब हम इस तरह करते हैं तो जो जो बैक्टीरिया जो हैं वो अनप्रोटेक्टेड होते हैं बाय वैक्सी लिपिड बाय लेयर से, जो है वो उन पे से जो है स्टेन रिमूव हो जाता है। तो उसके बाद जो स्टेन, उसके बाद जो हम क्या करते हैं कि इसके बाद फिर मिथाइलिन ब्लू जो है वो स्टेन जो है वो डालते हैं, ताकि जो है वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको अच्छे तरीके से दो कलरों में देखकर जो है पहचान सकें। और इसके लिए जो मैं यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ कि इन्होंने लिखा हुआ है, ये है हमारे पास जील लेंसन मेथड। तो इसके अंदर क्या है, पहले हम सेल डाल देते हैं, सेल के ऊपर फिर हम बहुत सारा कार्बन फिशल डालते हैं, फिर उसको हीट में ड्राई करते हैं, फिर उसको पानी से वॉश करते हैं, फिर उसके बाद डीकलराइजर डालते हैं 20% स्ट्रेस फॉर 1 मिनट, तो उसका जो कलर है वो येलोइश पिंक तक हो जाता है। उसके बाद हम फिर वॉश करते हैं उसको, फिर हम उसके अंदर जो है वो काउंटर का स्टेन डालते हैं ब्लू कलर का, फिर 15 सेकंड के लिए छोड़ते हैं, फिर उसको वाटर में वॉश कर लेते हैं और ये जो है हमारा स्टेन तैयार हो गया। और ये दूसरा वाला मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ, और जो इसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं स्टेन्स वो आपके सामने हैं ये रहे, ठीक है। अब ये जो स्टेन होता है और क्यों नहीं होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैकेनिज्म क्या है इसका कि भाई क्यों एक कुछ पे कलर हो जाता है और रिमूव हो जाता है, कौन से जो है वो एसिड फास्ट होते हैं और नहीं होते। ये इसका सीन ये है कि कार्बोल फ्यूशन फ्यूशन जो है वो हर एक सेल को स्टेन कर सकता है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है। लेकिन जब हम उनको एसिड अल्कोहल में धोते हैं, वॉश करते हैं उसको, तो जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ना उसके ऊपर से स्टेन उतर जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वो थिक वैक्सी लिपिड लेयर नहीं होती। जिन जिन बैक्टीरिया के ऊपर थिन वैक्सी लिपिड लेयर होती है उनके ऊपर से स्टेन नहीं उतरता, उनको हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिनके पास ये लेयर नहीं होती उनके ऊपर से उतर जाता है तो उनको हम नॉन एसिड फास्ट बोलते हैं। इतनी सी बात है। तो जब हम नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को उठाते हैं, उस पर ब्लू कलर डालते हैं माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि काउंटर स्टेन इस्तेमाल करके हम फिर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया पर कलर करते हैं, ठीक है ना। काउंटर स्टेन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई अगर एक के ऊपर लिपिड बाय लेयर नहीं है तो उसके ऊपर जो है वो कलर उतर गया, तो फिर हमें उसके लिए दूसरा मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिसके ऊपर है उसके लिए हमें दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरा कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने बैक्टीरिया के दो डिफरेंट कलर्स में उसको कॉन्ट्रास्ट में देख लिया, ठीक है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन कार्बोल फ्यूशन सो दे अपीयर रेड। तो जो एक्टिव एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर ये लेयर होती है वो जो है वो कलर को रिटेन कर लेते हैं और वो रेड जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। यानी वैसे वो पहले कलर डालते हैं वो डार्क पिंक शो होते हैं, फिर जब हम उनको वॉश कर लेते हैं तो फिर उनके ऊपर जो रेड कलर रह जाता है। अब ये जो किन्योन स्टेन मेथड है इसमें और उसमें नीलसन में क्या फ़र्क है कि भाई वहाँ पर तो हीट इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ पर हीट इस्तेमाल नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड कोल्ड जीएन टेक्निक। दोनों सेम है, बस इसके अंदर उसके नीलसन में जो है वो हीट इस्तेमाल हो रही थी और इसमें हीट इस्तेमाल नहीं होती, और इसलिए यहाँ पर इस मेथड को पूरा दिखाया गया। अब देखो पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ कार्बोल फ्यूशन की, प्राइमरी स्टेन स्टेन किया, फिर हमने उसको एप्लीकेशन ऑफ हीट किया, हीट का एप्लीकेशन दिया यानी मोर्डेंट, उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ एसिड अल्कोहल किया। तो जो देखो जो छोटे छोटे पिंक कलर थे जिनके ऊपर लिपिड बाय लेयर नहीं उनके ऊपर से कलर उतर गया और वो वाइट हो गया वापस से डीकलराइजर डालने के बाद। उसके बाद हमने उसको ब्लू कलर में डाला, तो जो ब्लू कलर था वो काउंटर स्टेन जो था वो उसने पकड़ लिया, तो हमारे पास नॉन एसिड फास्ट अलग हो गए और एसिड फास्ट जो है वो अलग हो गए ड्यू टू द काउंटर स्टेन। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यूज़ ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड मायोबैक्टीरियम लेप्री एसिड फास्ट बेसिलस सीन विद कार्बोल फ्यूशन रेड डाई एंड रिटेन द डाई व्हेन ट्रीटेड एसिड विद ब्लू लिपिड माइकोलिक इन सेल वॉल। अब जील नेल्सन में क्या, भाई इसको हम इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में। जील नेल्सन टेक्निक हम ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल करते हैं और मायोबैक्टीरियम लेप्री में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एसिड फास्ट बेसिलस हमारे पास होता है तो हमारा जो डाई है वो रिटेन हो जाता है इसके अंदर। अब इसके रिएजेंट्स कौन से होते हैं मैंने हमने आगे पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लेते हैं कि भाई कार्बोल फ्यूशन होता है बेसिक डाई रेड कलर का, दूसरा होता है मोर्डेंट जिसको हम हीट जो है वो मोर्डेंट होती है, इसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड या डीकलराइजर होता है इसके अंदर, तो जो रिटेन जो है वो जो एंड में जो कलर रिटेन होता है वो रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का जो बचता है 20% डीकलराइजर डालने के बाद। मिथाइलिन ब्लू होता है, ये काउंटर स्टेन होता है जिसके बारे में मैंने ये सारा आपको भी बताया है कि पहले हमने कार्बोल फ्यूशन डाला, इसके बाद प्राइमरी कलर डाल दिया, उसके बाद हमने हीट लगा दी, फिर हमने जब उसको दोबारा वॉश कर लिया एसिड अल्कोहल से डीकलराइजर डाल के, तो वाइट कलर जो है वो उसको जो पिंक कलर था उसके ऊपर से उतर गया,
और जब हमने दोबारा काउंटर स्टेन डाला तो दोनों दो कलर की हमारे पास स्लाइड जो वो अपीयर हो गई। और आगे जो मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ ये है कि एसिड फास्ट और एसिड फास्ट नेगेटिव में क्या फ़र्क है। एसिड फास्ट जो वो एक्सपेरिमेंट से पहले दोनों ऐसे कैसे हैं, देखो दोनों का कलर सेम ऐसे सफ़ेद। जब हमने स्टेनिंग की दोनों के ऊपर एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट के ऊपर, तो जो एसिड फास्ट था उसके ऊपर जो है वो रेड कलर आया, दूसरे के ऊपर जैसा कलर था वैसे ही चढ़ गया एज इट इज़, तो ये डार्क पिंक सा हो गया। जब हमने डीकलराइजर डाला तो जो एसिड फास्ट था उसके ऊपर क्योंकि अच्छी खासी लेयर होती है उसने अपना जो वो स्टेन रिटेन रखा, उसके ऊपर से जो वो कलर नहीं उतरा, जबकि जो नॉन एसिड फास्ट था या एसिड फास्ट नेगेटिव था वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया पहले की तरह। तो हम जो वो ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं एंड काउंटर कलर के लिए, ताकि जो वो हमें डिफरेंट और अच्छे से रिजल्ट मिल सकें। बाकी ये डिफरेंस है भाई, उस पर कलर चढ़ता है और इस पर नहीं चढ़ता, इतनी सी बात है। अब आगे ये कौन से बैक्टीरियम ऑर्गेनिजम्स पे यूज़ होता है एसिड फास्ट स्टेन, वो लिखा हुआ है और ये PCQ में लाजमी 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 आता है कि एसिड फास्ट स्टेन हम मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल करते हैं, लेप्रे में इस्तेमाल करते हैं, कंसासी में इस्तेमाल करते हैं, मेरिनम में इस्तेमाल करते हैं, बोविस में, अफ्रीकम में स्पीशीज़ में, नोकार्डिया स्पीशीज़ में और कुछ फंजाइज में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन ट्यूबरकुलोसिस में जो है ये इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो हाँ, ट्यूबरकुलोसिस में तो इसको हम कैसे करते हैं कि हमारे पास पहले स्प्यूटम रिसीव होता है पेशेंट का, और फिर हम इसको जो वो डिटेक्ट कर लेते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग के थ्रू। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। हमने एसिड फास्ट स्टेनिंग की तो जो मायोबैक्टीरियम थे एसिड फास्ट वो जो है वो रेड कलर के हो गए, और जो हमने दूसरा काउंटर स्टेन डाला था उसकी वजह से जो बकाया स्लाइड थी स्प्यूटम की वो जो है वो आपकी ब्लू कलर की हो गई। तो ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की विजुअलाइजेशन है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द टेस्ट यूजिंग जील नेल्सन स्टेन मेथड। तो ये थी आपकी एसिड फास्ट स्टेनिंग, और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो मैंने नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपने इंस्टा का भी, FB का भी, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी भी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।